उदारता का फल। एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो और उसकी पत्नी बहुत उदार थे। जब उनके और बच्चे हो गए तो वो इतना नहीं कमा पाते थे कि अच्छी तरह उनका पेट भर सकें। उनके लिए भर पेट खाना मिलना ही दावत जैसा होता। खुद अपने लिए भोजन जुटा पाने के संघर्ष के बावजूद ये दंपत्ति किसी भूखे इंसान को अपने घर से बिना खिलाए नहीं जाने देते थे। वो कुछ नहीं तो चावल का दलिया ही मेहमान को खाने के लिए देते। एक दिन जब वो भोजन करने बैठे ही थे कि एक भूखा फकीर उनके घर आया। किसान और उसकी पत्नी ने उसके साथ अपना चावल दलिया बांटा। जब आया था तो फकीर बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन दलिया खाकर उसने बेहतर महसूस किया। उसका चेहरा इस अमृत रूपी भोजन करके चमक रहा था। उसने किसान से कहा, मैंने इससे पहले इतने उदार पति पत्नी नहीं देखे। कृपया उस बर्तन को सामने लाएं जिसमें ये दलिया पकाया था, मैं उसे अक्षय पात्र में बदल दूंगा। किसान की पत्नी बर्तन ले आई और फकीर को दे दिया। फकीर ने बर्तन को अपनी हथेली पर रखा और बर्तन को एक थाली से ढककर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। अब तुमको भोजन के लिए संघर्ष नहीं करना होगा। जो भी चीज राजा की रसोई में बनेगी वो तुम्हारे इस बर्तन में मिलेगी। ये कहकर वो उठा और चला गया। पति पत्नी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, बस उसका आशीर्वाद समझ लिया। जब किसान की पत्नी ने दलिया बनाना चाहा और बर्तन पर से थाली को हटाया तो उसने बर्तन को लजीज खानों से भरा पाया, जिनसे बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। पेट भर खा लेने के बाद भी बर्तन में खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। इस खाने का स्वाद राजा की रसोई जैसा था। उस बर्तन से न सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चों ने राजसी भोजन खाया, बल्कि घर आने वाले मेहमानों को भी वही खाना परोसा। घर पर जो भी मेहमान आता उससे किसान कहता, महोदय कृपया परोसा गया खाना ग्रहण करें, लेकिन इसके बारे में कुछ पूछे ना। इसी तरह वो सबसे प्रार्थना करता। जिन भी लोगों ने उसके घर खाना खाया और बाहर गए, सबने यही कहा, किसान के घर परोसा गया भोजन सबसे स्वादिष्ट था। ऐसा खाना तो बस राजा के यहाँ ही मिलता है। जब भी किसान के घर में बर्तन के अंदर खाना आता, राजा की रसोई में खाना कम हो जाता। इस बात को राजा के महल की रसोई में खाना पकाने वाले ने पकड़ा। राजा के परिवार के लिए जितना खाना पूरा हो जाए उससे ज्यादा बनाने के बाद भी खाने की चीजें कम पड़ जा रही थीं। जब रसोईया पूरा भरा बर्तन हलवा बनाता और ढक्कन बंद करता, परोसते समय वो कम निकलता। क्योंकि ऐसा रात के वक्त होता तो रसोइये ने सोचा कि कोई चोर ऐसा कर रहा है, लेकिन रसोइये को समझ नहीं आया कि चोर कौन है। आखिरकार उसे राजा को ये बात बतानी पड़ी। पहले तो राजा ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन बाद में राजा ने भी देखा कि बर्तनों में खाना कम हो जाता है। राजा ने ये मसला मंत्री से बताया। मंत्री ने भी खुद अपनी आँखों से खाने की मात्रा को कम होते देखा। ये रहस्य राजा के महल की दीवारों में नहीं रह पाया। गांव में सबको पता चल गया कि कोई राजा के महल से खाना चोरी कर रहा है। और साथ ही ये बात भी सबके कानों में पड़ी कि किसान के घर राजसी भोजन बनता है जो सबको खाने को मिलता है। दोनों बातें आपस में कुछ यूं जुड़ी कि कुछ लोगों को शक हुआ कि जो खाना राजा के घर से गायब हो रहा है वही किसान के घर मिल रहा है। नामुमकिन, मैं पहले ही पता कर चुका हूँ। ये किसान गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता है। वो बहुत गरीब है, लेकिन सब कहते हैं कि वो ईश्वर समान है। क्या वो हमारे महल में सिर्फ खाना चुराने आएगा? ये कैसे हो सकता है? जो महल में दाखिल हो सकता है वो ढेर सारी बहुमूल्य चीजें चुराकर अपना जीवन आराम से जिएगा। क्या वो खाना चुराने रोज महल आएगा? सच का तभी पता लग सकता है अगर हम खुद उसके घर भोजन करें। एक दिन एक अलग रूप और वेशभूषा में राजा और मंत्री हाथ में छड़ी लेकर पैदल ही किसान के घर गए। जाने से पहले राजा ने रसोइये से पूछ लिया कि आज वो क्या पकाने वाला है।
जब किसान और उसका परिवार भोजन करने ही वाले थे, दो अजनबी उनके घर पहुंचे और पूछा, महोदय हम पड़ोस के गांव के किसान हैं। सफर के दौरान बहुत गर्मी महसूस हुई, क्या आप हमें कुछ खाने को देंगे? किसान ने बड़ी प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। उसने अपनी पत्नी से पत्तल लगाकर खाना परोसने को कहा। महोदय जो भी परोसा है खाइए, बस मुझसे इसके बारे में कुछ पूछिएगा नहीं। जब पत्नी ने खाना परोसा, राजा और मंत्री जान गए कि ये तो महल के रसोई में पके पकवान ही हैं। वो तो खाना खाने नहीं आए थे। राजा और मंत्री ने किसान से पूछा, तुमको इतना अच्छा खाना कहाँ से मिला जो अमीरों के यहाँ भी नहीं मिलता? कृपया मुझसे ये ना पूछें। जब तक बताओगे नहीं हम खाएंगे नहीं। और कोई उपाय न होने पर किसान ने राजा को सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया। वो एकदम से खड़ा हुआ और अपनी छड़ी से उस बर्तन को तोड़ दिया और फिर बिना कुछ कहे राजा अपने मंत्री के साथ वहाँ से चला गया। किसान की पत्नी टूटे बर्तन को पकड़कर रोने लगी। मत रो, आखिर कब तक हम राजसी भोजन खा सकते थे? आज से स्वादिष्ट खाना नहीं होगा, पर चावल दलिया तो होगा ना? ऐसा समझाकर किसान ने अपनी पत्नी को चुप कराया। किसान का बर्तन तोड़कर राजा और मंत्री वापस महल पहुँचे। उन्हें वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उन्होंने इसकी वजह रसोइये से पूछी। महाराज, खाने की चीजें चूल्हे पर चढ़े बर्तनों से गायब होती जा रही हैं। देखिए बर्तन बाहर से कैसे काले हैं, लेकिन अंदर एकदम चमकदार साफ। राजा ने किसान के घर भी खाना नहीं खाया था। मंत्री ने अपने घर से राजा और उसके परिवार के लिए खाना भिजवाया। जैसे ही पकवान राजा के महल पहुँचे गायब हो गए। राजा को तब समझ आया कि किसान के परिवार के साथ बुरा करने की वजह से उसे भूखा रहना पड़ रहा है। एक बार फिर राजा मंत्री के साथ किसान के घर गया और हाथ जोड़कर बोला, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, मुझे माफ कर दो। बर्तन के बदले में मैं तुम्हें खेती के लिए कुछ जमीन दे दूंगा और आज से हमारी रसोई तुम्हारी है। हर दिन महल में जो भी पकेगा उसका आधा मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। मुझे और मेरे परिवार को भूखा मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? किसान स्तब्ध रह गया और बोला, महाराज मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया। जब मेरी पत्नी बर्तन के टूटने पर रोने लगी तो मैंने उससे कहा कि हम दलिया खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। आपके साथ जो भी हुआ मेरी वजह से नहीं हुआ महाराज, मेरा भरोसा कीजिए। फिर उसके बाद से किसान के परिवार को जैसा राजा ने वचन दिया था, महल की रसोई में बना आधा खाना मिलने लगा। किसान और उसका परिवार राजा की दी गई जमीन पर आराम से रहने लगा। इस तरह किसान और उसके परिवार का जीवन समृद्ध हो गया। Hi kids, hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.